किसान भाइयों नमस्कार, मैं सत्यवीर सिंह सत्या नेचुरल्स पलवल हरियाणा से। आज हम आए हैं फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में और संजीव कुमार शर्मा जी के खेत पे, जो कि ननहेरी गांव में है, ननहेरी गांव में पड़ता है और ये टोहाना तहसील में आता है। टोहाना तहसील है और फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट है, ननहेरी गाँव है। संजीव कुमार शर्मा जी हैं, उनके खेत पर हैं हम। भाई संजीव कुमार वर्मा जी ने काफ़ी मेहनत कर रखी है और पहले से काफ़ी मतलब उन्होंने काम किया, और मैं उनका ये बोर्ड दिखा रहा हूँ आपको कि यहाँ पे ये ननहेरी गांव है, इसके अंदर इन्होंने जैविक फार्मिंग कर रखी है, जैविक खेती कराते हैं भाई जो है, या खुद भी करते हैं। और लोगों को किसी भाई को कोई ज़रूरत हो उनसे किसी तरह की चीज़ कोई भी लेने की या जानने की, वो DAP खाद भी उन्होंने बना रखा है, वेस्ट डिकम्पोजर का घोल भी बना रखा है, जीवा मिर्च घंजीवा मिर्च वो खुद भी सारी चीज़ें बनाते हैं, और खेत में यहाँ सब्जियाँ भी जो है वो अपना नेचुरल तरीके से उगाते हैं, नेचुरल सब्जियाँ उन्होंने उगा रखी हैं यहाँ पर। तो किसी भाई को कोई हेल्प चाहिए नेचुरल खेती करने से संबंधित, या किसी को कोई सब्जी चाहिए नेचुरल जो है, उनसे बात करके वो ले सकता है और उनसे बात भी कर सकता है, सीख भी सकता है किस तरह से आगे की जा सकती है ये खेती, किस तरह से आगे बढ़ा जा सकता है इस तरह की खेती करके। तो सबसे पहला उन्होंने ये इनिशिएटिव इस एरिया में लिया है, और जो भी भाई इस वीडियो को देख रहे हों, उन्होंने केचुआ खाद भी बना रखी है यहाँ पर, उसका भी बेड रखा हुआ है। तो नाबार्ड वाले कुछ लोग उनको ये देके गए थे, हालांकि उन्होंने नाबार्ड वालों ने भी थोड़ा सा उनके साथ अच्छा नहीं किया, वो वहाँ से उनको सिर्फ ये बेड वगैरह देके गायब हो गए मार्केट में। तो इस तरह के लोगों से भी सावधान रहें कि नाबार्ड के नाम पर कुछ लोग आते हैं और कई लोगों ने मतलब इस तरह से ठगने का काम भी कर रहे हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से ये भी मैसेज दे रहा हूँ कि इस तरह का कोई आदमी आए, वो बेड दे गए उनको कैचुआ का, वो कैचुआ एचुआ भी कुछ नहीं निकले, 2-4-6 कैचुआ निकले और इस तरह से कैचुआ वगैरह दे के वो लोग गायब हो गए। तो इस तरह की चीज़ों से भी थोड़ा सा सावधान रहें। तो लोकल आसपास के जो लोग हैं उनसे सीखें, और इस तरह की खेती जो वो करने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरह की खेती करने का आगे प्लान करें। तो सभी भाइयों को इस वीडियो के माध्यम से मेरा यही मैसेज है, और आगे मैं भाई से संजीव कुमार शर्मा जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी दो लाइन अपने बारे में और हमारे बारे में बोलें। संजीव कुमार जी। मैं संजीव कुमार, विलेज ननहेरी, डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद, तहसील टोहाना। तो मैं पहले से ही जैविक खेती कर रहा हूँ। अभी मैं भाई साहब से सत्यवीर से इनका वीडियो देखा, वो वीडियो देखने के बाद मैंने पपीता करने की सोची, पपीते की खेती करने की सोची, जो नेचुरल तरीके से खेती करवाते हैं, जैविक तरीके से खेती करवाते हैं, तो इसीलिए मैंने इनके लिए सोचा ये इसी करवा। तो मैंने आज इनको अपने खेत में बुलाया, तो अभी गाइडेंस इन्होंने दे दी है जो उसमें स्टार्टिंग में होती है, उसके बाद में जो पपीता लगने के बाद की गाइडेंस है वो बाद में साथ के साथ देंगे। तो भाई का बहुत, संजीव कुमार जी का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने हमें बुलाया है। और आप सभी भाइयों को जो वीडियो देख रहे हैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और सब लोगों को रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें व शेयर करते रहें, और इस वीडियो को थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो लोकल लोगों को एक अवेयरनेस आएगी कि इस तरह की खेती करें, और जैविक खेती में भाई से कोई हेल्प लें अगर उनकी कोई ज़रूरत हो। तो सभी किसान भाइयों को मेरा दोबारा से नमस्कार, संजीव भाई को बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने हमें बुलाया है, और सभी को अगेन 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 नमस्कार।